नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान की गलियों में भीख मांग रहा है जैश ए मोहम्मद। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, रिसेंटली कश्मीर में हमला हुआ था हमारे कॉन्वॉय के ऊपर, जिसकी जिम्मेवारी PFF के द्वारा ली गई है, जो कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही एफिलियट एक टेररिस्ट आउटफिट है, राइट। अब जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा, पाकिस्तान की गलियों में भीख मांग रहा, भीख नहीं, हालांकि हम भीख ही कह सकते हैं, क्योंकि एक फंड रेजिंग कंपेन यहाँ पे इनके द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर में ये आतंकवादी गतिविधियां कर सके। इसीलिए FATF के बारे में बात करेंगे, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा FATF के द्वारा। हम लोग बात करेंगे शौकत अली कश्मीरी के बारे में, एक नया ही व्यक्ति यहाँ पे सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे, इनका क्या कहना है, राइट। तो दी प्रिंट का एक आर्टिकल आप देख पाओगे, दी बैंड टेररिस्ट आउटफिट जैसे मोहम्मद सीन ओपनली कलेक्टिंग फंड्स इन द पाकिस्तान पेशावर, खुले रूप से खुले तौर पर ये लोग पैसे मांग रहे हैं लोगों से पेशावर के अंदर। हालांकि केवल पेशावर में नहीं, देश के कई हिस्सों के अंदर भी इनको पैसा मांगते हुए देखा गया है, फंड रेजिंग कंपेन इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर रिसेंटली ये हमला हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। ये वीडियो मैंने बनाई थी, इसको कंप्लीटली कवर किया था। PFF इसके द्वारा इसकी जिम्मेवारी ली गई है, और ये जो आतंकी संगठन है PFF, ये जैसे मोहम्मद के द्वारा ही एक एफिलिएटेड हम कह सकते हैं आउटफिट है, ठीक है। जब हमारी जो कॉन्वॉय है बिम्बर गली से लेकर सेंगियोट यानी कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्वॉय ये मूव कर रहा था, उसके ऊपर ग्रेनेड से यहाँ पे हमला किया गया था, और हमारे 5 जवान यहाँ पे शहीद हो गए थे। हालांकि कुछ वीडियो जब भी वायरल हो रही है, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि आर्मी के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा इसका एक प्रकार से रिवेंज ले लिया गया है, कुछ आतंकी यहाँ पे मारे गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन उसके ऊपर नहीं आई है ऑफिशियली, न तो NIA की तरफ से आई है, न फिर भारत सरकार की तरफ से। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि किस प्रकार से, जब भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसके ऊपर फर्दर वीडियो में लेके आ जाऊंगा कि कौन सा एक्शन हमारी भारतीय सेना के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसके द्वारा यहाँ पे जिम्मेवारी ली गई थी। 7 से 8 आतंकी यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है इस बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वर्तमान में हो क्या रहा है, ये हम बात कर लेते हैं। आपको पता, 2 दिन पहले ईद थी, और ईद के मौके पर जैसे मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ट एक टेररिस्ट आउटफिट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है UN के द्वारा भी और वेरियस और कंट्रीज के द्वारा भी। अब यहाँ पे ओपनली इनके द्वारा फंड कलेक्ट किया गया था पेशावर के अंदर भी और दूसरे कुछ स्टेट के राज्यों के अंदर भी। अब यहाँ पे जो ट्विटर पे यूजर है, ट्विटर पे यूजर के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। एक यहाँ पे यूजर है, दैट इज द शौकत अली कश्मीरी, ये मैं आपको बता दूं, एक एग्जाइल्ड लीडर है एंड द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP, ये वाली जो पार्टी है इनके यहाँ पे फाउंडर रहने वाले हैं, और कश्मीरी ये अपने आप के नाम के सामने लगाते हैं। वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से इनको एग्जाइल कर दिया गया है, पाकिस्तान की सरकार इनको ढूंढ रही है, जैसे ही मिल गए तो इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, द ओपन फंड रेजिंग बाय द बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद इन पेशावर पाकिस्तान हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द कंट्री, द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल अटैक्स इन द कंट्री। तो ये इनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई, हालांकि इनके द्वारा भी दी गई और वेरिस और यूजर्स के द्वारा भी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टी है, दैट इज द UKPNP, इनका क्या मानना है, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जो हमारा कश्मीर है, इसको हम बनाने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर, राइट। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप के अंदर, ये जो रेड कलर के अंदर आपको एरिया नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये कहते हैं इसको एक नया देश बनाएंगे, एक नई कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीसफुल यानी कि स्टेट की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लोगों के लिए एक प्रकार से जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके विजिट करोगे तो यहाँ पे इंडिया का जिक्र इन्होंने कहीं भी नहीं किया है, न पाकिस्तान का ज्यादा जिक्र करते हैं, केवल ये बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर की भी बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर, अर्थात ये वाला जो हिस्सा, दैट इज हम कह सकते हैं कि POK, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, और वो जो हिस्सा जो हमने चाइना को, हमने नहीं सॉरी, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट पे दे दिया था, ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे को मिलाकर ये कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर हम बनाने वाले हैं। यानी कि जो पुराने समय के अंदर जो कश्मीर था हमारा, महाराजा हरि सिंह के समय से पहले जो कश्मीर था, उसको एक अलग से स्टेट हम बनाने वाले हैं। इनका मतलब अलग से ही चल रहा है, ठीक है, ये बात हो जाएगी शौकत अली के बारे में। नाउ अब फंड रेजिंग जो का जो कंपेन चलाया जा रहा है,
इसके ऊपर बहुत सारे यूजर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी। एक यूजर ने ट्वीट किया, उसका ट्वीट यहाँ पे वायरल हो गया बहुत ज्यादा। इनको यहाँ पे कंसर्न हुआ, डर लगा कि कहीं ना कहीं मुझे मतलब जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्होंने अपना जो अकाउंट था उसको डीएक्टिवेट कर दिया। राइट, ये बात हो जाएगी। अब लोग यहाँ पे मतलब एक प्रकार से बातें करते हुए नजर आए कश्मीर के बारे में भी और जैश ए मोहम्मद के बारे में, कि किस प्रकार से लोग जैश ए मोहम्मद के लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल की जेंट्स के अंदर ही पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग बात है कि गवर्नमेंट का हाथ इसके अंदर है। भाई ये तो सीधी बात है, जग जाहिर है कि सरकार भारत पाकिस्तान की जो सरकार है वो जैसे मोहम्मद या फिर जितने भी टेररिस्ट आउटफिट है उनको एक प्रकार से शरण देती है और उनको बैक भी करती है, ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर ने इनके बारे में बताया था। एक और अनदर यूजर है यहाँ पे एसनुल्ला खान जनूद, इनके द्वारा बताया गया कि ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं टू फाइट जिहाद इन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। तो ये काफी चिंताजनक हमारे लिए बात हो जाती है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। अब देखिए जैसे मोहम्मद की अगर मैं बात करता हूँ, पीछे कुछ सालों में इसका जो दबदबा है या फिर जो इसका एक प्रकार से जो एक्टिविटीज थी वो देखने को कम मिली, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को 2022 के अंदर एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर किया गया, तब से हम देखते हैं इन 6-7 महीनों के अंदर जैसे मोहम्मद और इसके जो जैसे ही कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर काफी एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि तो पाकिस्तान को 2018 के अंदर, जून 2018 के अंदर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद अक्टूबर 2022 के अंदर इसको यहाँ से बाहर निकाला गया। हालांकि इसको बाहर निकालने में भारत सरकार के द्वारा भी मदद की गई थी, क्योंकि हमको पता है पाकिस्तान के अंदर काफी इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, तो उस चीज को यहाँ पर देखते हुए एक प्रकार से इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं जैसे मोहम्मद होगा, लश्कर ए तैयबा है, अलकायदा है या फिर ओदर जो भी आउटफिट है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी पांखें फिर से बिखेर रहे हैं। राइट, नाउ व्हाट इज एफएटीएफ? एफएटीएफ की अगर हम बात करें, इट इज ए ग्लोबल वॉचडॉग, दैट इज जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उसको यहाँ पे नजर रखने के लिए एक वॉचडॉग के रूप में काम करती है ये एक संस्था, जिसकी स्थापना 1989 के अंदर की गई थी G7 कंट्रीज के द्वारा पेरिस के अंदर। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे एफएटीएफ के। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शुरुआत में इसका उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे कंट्रोल करना, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ तो उसके बाद से टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर भी यहाँ पे इसको कॉम्बैट करने के लिए लगा दिया गया, यानी कि इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो मास ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनके भी प्रोलिफरेशन के ऊपर फाइनेंसिंग जो की जाती है उसको काउंटर करने के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया गया था 2012 के अंदर। तो इस प्रकार से आप देखोगे बहुत सारे कार्य टेररिस्ट को लेकर, जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए इसके ऊपर इसके द्वारा काम किया जाता है एफएटीएफ के द्वारा। अब इसके मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो टोटल 37 मेंबर आपको इसको देखने के मिलेंगे, जिसमें से 2 यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो हो जाएगा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, दूसरा है यूरोपियन कमीशन। बाकी 37 यहाँ पे कंट्रीज टोटल शामिल है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी इसका मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह वगैरह कोई भी देश इसका मेंबर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइना इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो सब इसका आपको मेंबर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए व्हाट इज ग्रे लिस्ट? अब ग्रे लिस्ट क्या है? देखिए ग्रे लिस्ट इनके द्वारा जारी की जाती है, 2 प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है, ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक प्रकार से मॉनिटरिंग लिस्ट हम कह सकते हैं। इस जब किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो हो तो नहीं रही है। ठीक है, और जब आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो बिल्कुल फिर तो आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हो, किसी भी कंट्री के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बहुत सारे सैंक्शन आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एफएटीएफ की एक प्लेनरी जो कि एक बॉडी है, उसकी मीटिंग होती है ट्राई एनुअली, यानी कि साल के अंदर 3 बार, फरवरी के अंदर, जून के अंदर और अक्टूबर के अंदर। हमने बताया कि अक्टूबर के अंदर इनको हटा दिया गया था पाकिस्तान को, तो अभी जून के अंदर इनकी मीटिंग होने वाली है। अब इनकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जाती है, दैट इज म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालना है, नहीं डालना है, उसको ग्रे लिस्ट में डालना है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है, वो सब यहाँ पे रिव्यू किया जाता है। ठीक है, जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आने वाली है। अगर मान के चलिए यहाँ पर मेजर डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं इन इट्स एएलएम एंड दिस सीएफटी। एएलएम क्या है यहाँ पे?
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड द सीएफटी इज कॉम्बैटिंग दी फाइनेंसिंग टेररिज्म। अगर इन चीजों के अंदर, इस रिजिम के अंदर डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो उस कंट्री को डाल दिया जाता है इन दी ग्रे लिस्ट। और ग्रे लिस्ट का यहाँ पे दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा, ज्यूरिसडिक्शन अंडर द इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। मतलब ये है कि इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए अब जो टास्क वगैरह दिए गए हैं इस कंट्री को, जो ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दी गई, उसको कुछ टास्क टास्क दिए जाएंगे कि आप ये वाले जो टास्क परफॉर्म कीजिए। मान के चलिए कोई आतंकी संगठन है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन घोषित कीजिए। कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करना, उसको गिरफ्तार कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कंट्रोल कीजिए। फाइनेंसिंग जो हो रही है टेररिस्ट की, उसको कंट्रोल कीजिए। अगर ये वाले एक्शन उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं कंट्री के द्वारा, तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर नहीं किए जाते हैं, अगर और भी ज्यादा आतंकी संगठन आतंकी गतिविधियां होती हैं, तो उसको डाल दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट के अंदर। दैट इज दी हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन। ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब ग्रे लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया और ब्लैक लिस्ट के बारे में हमने बात कर ली है। ब्लैक लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ईरान है, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, तीन कंट्रीज वर्तमान के अंदर ब्लैक लिस्ट के अंदर है। अब इस चीज का फायदा क्या है? देखिए, जो कंट्रीज इस लिस्टों के अंदर आती हैं, उनको बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सैंक्शन। उन कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन यहाँ पे लगा दिए जाते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एफिलिएटेड है विद द एफएटीएफ, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, इनके द्वारा भी यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन, अगर सैंक्शन लग गए तो ये वाली संस्थाएं लोन आपको नहीं देगी, साथ ही साथ कोई कंट्री भी आपको लोन नहीं देने वाली है। रिडक्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, भाई जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होता है उसमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। अगर ट्रेड में ही रिडक्शन होगा तो भाई सीधी बात है, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके देश में आने वाला है और जो भी इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल बायकॉट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे एक प्रकार से रेप्रिकेशंस झेलने पड़ते हैं उस कंट्री को जो इस लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। अब जैसे ईरान का जो एग्जांपल देख लीजिए, ईरान का ऑयल जो है कोई नहीं खरीद रहा, ईरान से कोई भी यहाँ पे माल खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन यूएसए और यूएन के द्वारा लगाए गए हैं, ठीक है। अब मैंने बताया पाकिस्तान को 2008 के अंदर पहली बार डाला गया था, फिर 2009 के अंदर निकाल दिया, फिर 2018 में डाला, और अभी 2022 के अंदर यहाँ पे भारत सरकार के ही कर कमलों के द्वारा इनको एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाला गया था, ठीक है। अब जैसे मोहम्मद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मोहम्मद की अगर मैं बात करूँ ना, एक आतंकी संगठन है, लेकिन रिलेटिवली मैं अगर बात करूँ तो अभी के लिए ये नया है। जो जितने भी पहले बने हुए हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा है, अलकायदा है, अलबदर है, वो सब आतंकी संगठन, उनसे तो नया है, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 2000 के अंदर, ये राइट 31 जनवरी 2000 को इसको फाउंड किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय द मौलाना मसूद अजहर इन कराची के अंदर, राइट। अब मौलाना मसूद अजहर की मैं बात करूं, देखिए ये मौलाना जो मसूद अजहर है, ये 1994 के अंदर भारत में गिरफ्तार हुआ था, भारत में आया था। ये किसका मेंबर था? ये एक अनदर आतंकी संगठन है, उसका ये मेंबर रहने वाला था। भारत के अंदर आया किसी मिशन के ऊपर, भारत सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद उस टाइम पे बना नहीं था, जैसे मोहम्मद से दूसरा जो आतंकी संगठन है, यहाँ पे नाम आप देख पाओगे, दैट इज दी हरकत उल अंसार। हरकत उल अंसार के आतंकवादियों के द्वारा हमारा एक प्लेन हाईजैक किया गया, इंडियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट थी, दैट इज दी IC-814, इसको अफगानिस्तान में हाईजैक किया गया, जिसके बाद 150 हमारे भारतीयों के लिए इस व्यक्ति को छोड़ा गया। अगर नहीं छोड़ते तो भाई हमारे जो 150 भारतीय थे, इनकी जान को खतरा था, इसीलिए इस एक व्यक्ति को यहाँ पे छोड़ा गया था। अब जैसे ये छोड़ा हमने पाकिस्तान का, पाकिस्तान में इसका काफी नाम हो गया, जितने भी आतंकी संगठन थे इसको बड़ी इज्जत से देखने लगे। अब इसने क्या किया, इसने जाकर वहां पर एक नया आतंकी संगठन लॉन्च किया, पाकिस्तान की सरकार की मदद से, पाकिस्तान के अंदर और भी जो आतंकी संगठन थे उनकी मदद से और ISI की मदद से, दैट इज दी जैश ए मोहम्मद, नाम रखा गया जैश ए मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद की सेना, ऐसा करके अब इनको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया 1994 के अंदर इसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, एक मिशन के ऊपर आया था, 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1999 के अंदर इसको हमने छोड़ा, 31 दिसंबर को छोड़ना पड़ा था, और आगे चलकर 31 जनवरी 2000 को इन्होंने क्या किया, एक नया आतंकी संगठन लॉन्च कर दिया था, ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब जो भी यहाँ पे देखिए, जो दूसरे आतंकी संगठन है वो भी इसको बैक करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का तालिबान हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन भी इसको बैक करता था,
ठीक, और भी सेक्रेटेरी जो आउटफिट है पाकिस्तान में वो सब इसको बैक करते हैं। तो थोड़ा सा इसका अगर आप समझना चाहो तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा हरकत उल जिहाद, इस्लाम जो भी आतंकी संगठन है इसका यहाँ पे स्प्लिट हुआ, एक नया ग्रुप बना, दैट इज द हरकत उल मुजाहिदीन। अब बाद में जाके दोनों का मर्जर हो गया, मर्जर हो गया, एक नया आतंकी संगठन बना हरकत उल अंसार। अब ये जो हरकत उल अंसार है यहाँ पे इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकी संगठन घोषित करना पड़ा सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, और इसी कारण से इन्होंने अपना नाम चेंज करके नाम रखा गया हरकत उल मुजाहिदीन। ठीक है, अब जैसे ये भारत में आया था, मैंने बताया जो मौलाना मसूद अजहर है ये भारत आ गया था ना, भारत गिरफ्तार हुआ वापस पाकिस्तान गया छोड़ने के बाद, तब इसने इस हरकत उल मुजाहिदीन को ज्वाइन करने की बजाय इसी की एक ब्रांच नई बना दी, दैट इज दी जैसे मोहम्मद, इस प्रकार से इसका गठन हुआ था। इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि जो हमारा कश्मीर है उसके अंदर इंसर्जेंसी फैलाना, उसके अंदर एक्टिविटीज जो भी आतंकवादी एक्टिविटीज होती है उनको अंजाम देना। इनका मकसद क्या है कि हमारे जो कश्मीर है कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर मिलाना है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मैंने आपको पहले बताया था जो शौकत अली कश्मीरी वाला, उनका मकसद क्या है कि पाकिस्तान को एक अलग से ही स्टेट बनाना। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस हो जाएगा। अलाइज की अगर आप बात करोगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब जैसे मोहम्मद के अलाइज हैं। दूसरे जो आउटफिट हैं जैसे कि अलकायदा, लश्कर तैयबा, अल बदर, मुजाहिदीन वगैरह वगैरह, सब इसके क्या हो जाएंगे, अलाइज हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने इसको एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित करवा रखा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, रशिया, खुद पाकिस्तान के द्वारा भी, यूएई, यूनाइटेड किंगडम एंड दी ब्रिक्स, ब्रिक्स देशों के द्वारा, यूएन के द्वारा भी इसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए टेररिस्ट आउटफिट। तो ये चीज हो जाएगी। ये था आपका जैसे मोहम्मद। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार एक वीडियो को लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आए हो तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।